हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके साथ में महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी थाली पीठ शेयर करने वाली हूं। ये ट्रेडिशनली बहुत सारे अनाज को आपस में मिलाकर बनाई जाती है और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और साथ में इसे और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें आप अपनी इच्छानुसार मन चाहे वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सूखा हुआ बोल लिया है और इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार सारे अनाज को मिक्स करेंगे, लेकिन इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट ज्वार का आटा मिलाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें यहाँ पर मैंने एक कप ज्वार का आटा लिया है। अब इसके बाद आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार अनाज मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप गेहूँ का आटा और एक चौथाई कप बेसन लिया है। आप इसमें बाजरे का आटा, रागी का आटा या चावल का आटा भी मिला सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच गरम मसाला और साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है, तो अजवाइन को क्रश करके डालेंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में 1/2 चम्मच मैंने हींग ली है और 2 टेबलस्पून जो सफ़ेद तिल के दाने होते हैं वो लिए हैं। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको एक साइड में किया मैंने और यहाँ पर मैंने ये हरी मटर ली है 1 कटोरी, बिल्कुल फ्रेश मटर है, इसको हम इसमें डालेंगे। तो इसको पीस के डालेंगे। तो साथ में 2 हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की, लहसुन 3 से 4 कलियाँ ऐड करी और इसको अब हम पीस लेंगे। तो इसमें भी आप चाहे तो अदरक भी मिला सकते हैं, जो भी चीज़ें मिलाना चाहते हैं आप इसमें मिला सकते हैं। साथ में अब इसमें नमक स्वादानुसार इस आटे में ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स कर लेना है। तो आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो आटा मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस मटर को पीस लिया है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दरदरा रखा है, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाया है और बिना पानी डाले ही मैंने इसको पीसा था। तो इस मटर को मैंने इसमें ऐड कर देना है। साथ में एक छोटी सी गाजर भी मैंने ग्रेट करके रखी है, गाजरें अभी बहुत अच्छी आ रही हैं। साथ में 1 अनियन बारीक चॉप करके रखा है, आप चाहें तो लौकी भी डाल सकते हैं, पालक मेथी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढेर सारी हरी धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर दी है और अब इसको हम पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो आप इसमें चाहे तो बीटरूट भी डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें इसका बनाकर तैयार करना है। तो पानी इकट्ठा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका बिल्कुल नरम आटा हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। आटा एकदम नरम हो तभी ये थाली पीठ बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। और अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक पानी का बोल लिया है और ये बिल्कुल साफ सा एक रुमाल लिया है, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं। इसको हमको इसमें भिगाना है और अच्छे तरीके से पहले निचोड़ लेंगे और इसको हम इस रोलिंग बोर्ड के ऊपर बिछा देंगे। और अब थोड़ा सा पानी और 1 कटोरी में लिया मैंने और इस रुमाल को मैंने और थोड़ा अच्छे तरीके से गीला करना है। और इस आटे का एक पोर्शन लिया, ये देखिए, और अब इसको फिंगर्स की हेल्प से हम इस तरीके से प्रेशर डालते हुए थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए बड़ा करते जाएंगे। तो आटा बहुत नरम है, सॉफ्ट है, इसलिए पानी लगाने से बहुत आसानी से ये बढ़ता चला जाता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बढ़ता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, ये हमारी गोल सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाना ज़रूरी होता है और साथ में अब इसमें हम बीच में छेद कर देंगे। ये छेद क्यों करना है ये आगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर छेद कर दिए हैं और अब इसको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा चढ़ाया है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा तवा है, नॉनस्टिक तवा नहीं है, आप इसमें भी बहुत आसानी से सेक सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया, मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत केयरफुली मैंने इस थाली पीठ को इसके ऊपर पलट दिया, ये देखिए, और रुमाल बहुत इजीली निकल जाता है। अब ये जो हमने होल किए थे इनमें हम इस घी को डालेंगे, तो जिससे क्या होता है कि पूरा घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस होल्स के कारण में ये बहुत अच्छे तरीके से बीच बीच में भी सिक जाता है। और इसको मैंने कवर कर दिया, कवर करके हम 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हम सेकेंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया ढक्कन को और ये देखिए इसको पलटा। तो पलटने के बाद देखिए कितना परफेक्ट सिक चुका है और फिंगर्स के इसमें निशान बन जाते हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं देखने में। और फिर से मैंने दूसरी तरफ भी घी इसमें डाला जो हमने छेद किए थे
और दूसरी तरफ से भी हम ढककर 1.5 से 2 मिनट तक सेक लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसके लिए आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको अचार से भी खा सकते हैं, दही रायता किसी के साथ भी खा सकते हैं। और दोनों तरफ से देखिए बहुत बढ़िया सिक चुका है, तो ये एक हमारा थाली पीठ बनकर तैयार हो चुका है। तो ये एक तरीके से मैंने थाली पीठ बनाकर तैयार किया है, और अब एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको थाली पीठ बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने केले का पत्ता लिया है, इसको मैंने कट कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे, और पानी लगाकर बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जैसे हमने पहले किया था, डो का एक पोर्शन लिया और पानी लगाते हुए हम इसको बड़ा करते जाएंगे। इस तरीके से फिंगर से प्रेस करते करते इसको हमने बड़ा कर लिया है, ये देखिए। और जब इसको हम बड़ा कर लेंगे तो इसके बीच में छेद कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये बीच बीच से सेंटर से भी अच्छे तरीके से सिक जाए। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से पैन गरम है, तवा गरम है, इसके ऊपर मैंने इसको पलटा और बहुत आसानी से ये केले का पत्ता भी बाहर निकल कर आ जाता है, ये देखिए। और अब इसको हम घी लगाते हुए इस छेद में हम घी को डालते जाएंगे और इसको अलटते पलटते हुए धीमी आंच पर बहुत अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो मैंने इसको कवर कर लिया है, 1.5 से 2 मिनट तक इसको कुक होने देंगे। फिर उसके बाद मैंने ढक्कन को हटाया, पलटा, ये देखिए कितना परफेक्ट सिक चुका है। और दूसरी तरफ से भी सेकने के लिए इसमें मैंने घी डाला इन होल्स में, और इसके बाद इसको दूसरी तरफ से भी ढककर हम सेक लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही आसान और पौष्टिक थाली पीठ बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा आसान है इन्हें बनाना, पर ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं क्योंकि आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैंने यहाँ पर रायता और आलू मटर की सब्जी के साथ में सर्व किया है। आप चाहे तो अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ऊपर से टॉपिंग बटर के साथ की मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। साथ में अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।